चलो हाँ सो अब क्या हुआ कि नाउ बुक्स कुड रीच आउट द वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग बुक बढ़ गई है, अच्छी क्वांटिटी में आने लगी है, तो अब बहुत ज्यादा लोगों को ये सपोर्ट मिल सकता है, बहुत ज्यादा लोग पढ़ सकते हैं, वही चीज है। नाउ रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट, तो भाई जैसे जैसे अब ये प्रिंट कल्चर बढ़ने लगा तो रिलीजियस डिबेट्स और ये प्रिंट का जो ग्रोथ हो रहा है प्रिंट कल्चर का, उसका फियर भी होने लगा। तो फियर किसको होगा, गलत काम कर रहे उनको ही होगा। ओके कि मतलब मेजरली, और जो सही काम कर रहे उनको ये फियर होगा कि भाई गलत काम, मतलब ये प्रिंट कल्चर से कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी ना फैल जाए। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हमारे थ्रू पॉजिटिविटी फैल रही है या नेगेटिविटी फैल रही है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये भी एक फियर रहता था कि अगर ये सब बहुत सब कुछ बुक में ऐसे छपने लगा तो भाई कितनी कैसी कैसी बुक छपेगी, कैसी कैसी न्यूज छपेगी, क्या क्या छपेगा, मतलब जो सच है वो भी लेकिन नेगेटिव है, सच है लेकिन दैट सच इज नेगेटिव, मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ तो वो न्यूज पेपर में आ गया और हम वो पढ़ रहे हैं, तो भाई ऑब्वियसली वो फियर आ जाएगा कि भाई ये रोड पे से गए थे, ये बाइक, ये रोड पे से गए थे, ये एक्टिवा लेके गए थे और एक्सीडेंट हो गया। तो हाँ भाई मेरी बेटी के पास भी एक्टिवा ही है, वो भी वही रोड से जाती है, वो भाई तू संभाल के जाना हाँ ऐसे। ओके वो फियर आ गया क्यों, क्योंकि वो पढ़ा ना हमने, वो चीज अंदर डाली दिमाग में, इसलिए वो फियर आ गया। तो वो एक फियर रहता है जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनके माइंड में भी कि भाई, इसीलिए तो पेरेंट्स जो होते हैं वो फोन नहीं देते, कितने देर फोन यूज करते हैं ये वो, क्योंकि उनके माइंड में फियर रहता है कि भाई फोन है, बुक्स है, टीवी है, इंटरनेट है, वो ऐसी चीजें हैं कि तुम उसका जितना अच्छा यूज करना चाहो उतना अच्छा कर सकते हो, और बुरा तो तुम सोच नहीं सकते, उतना बुरा भी हो सकता है, और वो हमारा बुरा हो जाएगा फिर हमें पता चलेगा अरे भाई ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब वो गलती सुधार तो सकते नहीं है, अब क्या सुधार सकते, अब नहीं यूज करोगे वो कर सकते हो, लेकिन पहले जो किया वो तो गया, पहले जैसे ये न्यूज़पेपर वाला एक्सीडेंट वाला पढ़ा हमने, वो तो इन्फॉर्मेशन चली गई भाई, अब तुम्हें अफर्मेशन डालने पड़ेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशन। ओके के ओके बट वो तो होता रहता है, बट हमारे साथ तो भगवान है, कुछ ना कुछ अफर्मेशन डालना पड़ेगा कि भाई वी आर स्पेशल, गॉड विथ अस, और हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा भी एक नेगेटिव न आ गया ना, नहीं आ गया ना, कि हमारे साथ हमेशा अच्छा होगा। ओके हाँ हमारे अंदर खुद को बिलीव करो, तो अब तुम वैसे अफर्मेशन दोगे क्योंकि ये वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो नेगेटिव आ गई तो अब तुम्हें उसे पॉजिटिव डालोगे उसके ऊपर, जैसे एक ब्लैक डॉट आ गया, अब बहुत ज्यादा तुम व्हाइट 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 पूरा करोगे तब जाके वो ब्लैक जाएगा। ओके हाँ तो व्हाइटनर लगाना पड़ेगा लेकिन, ओके नहीं तो वो दिखता ही रहेगा, जब तक तुम उसको चेंज करने का ट्राई नहीं करोगे, फिर हम सोचेंगे यार इन्फॉर्मेशन को चेंज कैसे करें, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन डाल तो दी, अब ये कंप्यूटर वो कंप्यूटर से पावरफुल है लेकिन उसमें ऑप्शन है डिलीट, इसमें ऑप्शन नहीं है डिलीट। ओके डिलीट विलीट कुछ नहीं, एक बार गया वो गया तो अब क्या करें, तो अब इसमें भी जाता है, इसमें भी डिलीट होता है, कैसे कि नया डालोगे तो वो पुराना डिलीट हो जाएगा। एक बार मैंने तुम्हें कैमरा के एग्जांपल से समझाया था कि पहले के कैमरास थे 150, सपोज फोटोज खींच पाएंगे तो पहले के 5 खराब खींच लिए, और अब बाकी के सपोज 100 का है तो बाकी के 95 अच्छे खींचे, अब पहले के 5 कैसे रिप्लेस करें, और 100 के बाद फिर से 101 खींचोगे तुम तो वो पहले वाला डिलीट हो जाएगा, और फिर जो 6th वाला था वो 5th वाला बन जाएगा, तो अब टोटल 5 खराब फोटोज नहीं है, सिर्फ 4 है, फिर और 102 वाला करोगे तो वो सेकंड वाला भी चला जाएगा, वैसे करके पूरा ही अगर फुलफिल हो गया तो फिर अब यू आर पॉजिटिव इनफ, अब वो थॉट कभी शायद आ भी जाए या फिर से तुमने शायद गलती से कुछ पढ़ लिया देख लिया, फिर भी वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तुम्हें इन द सेंस जैसी टाइप की न्यूज है, जैसे ये न्यूज थी तो वो पेरेंट्स को ज्यादा परेशान करेगी स्टूडेंट से ज्यादा, स्टूडेंट वो टाइम पे अरे कुछ नहीं होगा वो सब तो आता रहता है न्यूज में, तो सब आता है ऐसे, हम तो कॉन्फिडेंट इनफ है। ओके वो थॉट हमें परेशान नहीं करती, पेरेंट को करती है, हमें
अपने हिसाब से दूसरी थॉट, इसने ये सब कुछ पढ़ा था फिर भी फेल हो गया तो अब ये थॉट हमें परेशान करेगी कि इसके साथ ऐसा कैसे हुआ। ओके तो सबके लिए फियर भी डिफरेंट है, सबके लिए फियर डिफरेंट है। ओके अब वो पॉइंट अगर तुम्हें आया और तुम पेरेंट को बोल रहे हो क्या बात कर रहा है उसको, तुम्हें कितना मतलब रखते हुए देख रहे थे हम, वो कभी पढ़ते नहीं थे ये वो, तुम तो इतना पढ़ रहे हो, तुम तो इतने अच्छे हो, फिर पेरेंट हमें जैसे हम बोल रहे थे पेरेंट को, ऐसा थोड़ी होता है एक्सीडेंट वो तो होता रहता है ये वो, अब पेरेंट हमें समझाएंगे अरे ऐसा थोड़ी है वो तो पढ़ते नहीं है, वो लोग ऐसा करते हैं वो करते हैं, तुम अच्छे हो तुम इतना पढ़ रहे हो ये वो, तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। ओके तो वैसे हमें कोई बोलने वाला चाहिए, और शायद कभी कोई ऐसा बोलने वाला ना हो तो खुद बोलना पड़ेगा, खुद बोलना पड़ेगा नहीं तो वो थॉट परेशान करेगी। तो बेस्ट वे ये है कि गलत इंफॉर्मेशन अंदर जाने ही ना दो। ओके दैट इज द बेस्ट वे। मतलब हमने खराब खाना खा लिया, आप बोलेंगे खराब पानी पी लिया, ओके फिल्टर किए बिना एकदम रॉ, बहुत ज्यादा टीडीएस वाला, अब बोलेंगे अंदर फिल्टर हो जाओ अंदर फिल्टर नहीं होगा। ओके वो हमारा किडनी और वो सब जो फिल्टर करना है वो तो करेंगे, लेकिन वो कचरा है वो तो अंदर ही रहेगा, है ना। तो पहले फिल्टर करो फिर पानी पियो, लाइक सो अंदर जाने से पहले हमें इंफॉर्मेशन को चेक करना है कि ये पॉजिटिव है, मतलब ये पहले तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं है मतलब पहले तो ट्रूथ है वो चेक करो। कई बार कितनी बार तो फॉल्स ही होती है इंफॉर्मेशन, गलत ही होती है, कोई ऐसे गॉसिपिंग के लिए बता दिया। ओके तो ट्रूथ है, ट्रूथ में भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव में भी तुम्हारे लिए अच्छा है, और नेगेटिव भी हो, ट्रूथ हो लेकिन नेगेटिव हो तो भाई रहने दो, भले ही वो सच है लेकिन वो नेगेटिव है, एक्सीडेंट हुआ वो गलत बात थोड़ी है, सच है वो तो सच था, एक्सीडेंट हुआ है वो सच है, लेकिन वो नेगेटिव सच है ना, वो एक नेगेटिविटी की फीलिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, भाई हमें नहीं जानना है, कड़वा, हाँ कड़वा सच बोल सकते हैं। ओके सो दैट इज द थिंग। चलो तो वैसे ही अभी क्या सब हुआ, किसको डर लगने लगा, क्या हुआ, many feared that if there was no control over the over what was printed and reading then the rebellious and irreligious thoughts might spread। matlab ke agar kisi ne control nahi rakha to rebellious matlab jo rebel karne wale ho ke bhai nahi jo pehle se chalta aa raha hai unko rebel karenge unko protest karenge वैसे लोगों की thought process wo aise logon ka power badh jayega and irreligious jo matlab shaitani vritti wale honge जो इरिलीजियस होंगे जो रिलीजियस नहीं होंगे भगवान में नहीं मानते कोई भी रिलीजन के हो लेकिन जो रिलीजन में मानते ही नहीं है ओके या फिर जो मानते हैं वो गलत मानते हैं कि हमारा रिलीजन ये सिखा रहा है कोई रिलीजन गलत बात नहीं सिखा रहा है नन ऑफ द अबू ओके कोई रिलीजन गलत चीजें नहीं सिखाता है लेकिन किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया है एंड ऑल तो फिर हम वो ऐसा मानने लगेंगे कि हमारे रिलीजन ने हमें सिखाया है या हमारे रिलीजन में ऐसा लिखा है भाई तूने खुद पढ़ा किसी ना किसी ने बता दिया गलत बताया होगा ओके लाइक दैट सो ये डर लगने लगा। रिलीजियस रिफॉर्मर ये आ गए भाई रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर किंग क्रिटिसाइज्ड मेनी प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। तो भाई मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया था रोमन कैथोलिक चर्च जितने भी थे उनकी जो प्रैक्टिसेस थी उनकी जो रिचुअल्स थे उनको अपोज किया था। और अब तो प्रिंट कल्चर आ गया है तो उनके थॉट प्रोसेस न्यूज़पेपर में छपने लगे मैगजीन में छपने लगे सब जगह छपने लगे लोग पढ़ने लगे अब ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने लगे लोग आगे बढ़ रहे हैं नॉलेजेबल हो रहे हैं। तो जैसे ही नॉलेज बढ़ेगा तो जो डार्कनेस है जैसे लाइट बढ़ेगी तो डार्कनेस को डर ही लगेगा डार्कनेस खत्म होती जाएगी जैसे रात कितनी भी हो सूरज सिर्फ मतलब सनराइज थोड़ा भी नजदीक है 6:45 को सनराइज होने वाला है ना तो 6:44 को ही अंधेरा तो खत्म होने लगेगा अभी तो हुआ भी नहीं सनराइज नजदीक है अभी तो 45 को होगा लेकिन 44 पे भी अंधेरा वहां से तो एटलीस्ट जहां सनराइज होने वाला है वहां से अंधेरा चले गया ये साइड अंधेरा है और फिर जैसे ही सनराइज हो गया पूरा का पूरा जहां तक रेज जा रहा है पूरा का पूरा पूरा लाइट हो गया डार्कनेस चली गई ओके लाइक हाँ तो खौफ होता है ओके तो लूथर्स ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट लीड टू द डिविजन्स विद इन द चर्च एंड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। मतलब के लूथर के जो ट्रांसलेशन थे न्यू टेस्टामेंट लीड टू दी मतलब जो उसने जो नई नई बातें बताई कि जो पहले से जो ये
अंधविश्वास बोलते हैं ना, वैसी सारी जो चीजें है उसके सामने हम क्या करेंगे, रिफॉर्मेशन लाएंगे, मतलब कि ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, अपनी बातें बताना शुरू कर दिया। किसने? मार्टिन लूथर किंग ने। ओके, नाउ रोमन चर्च बिकेन इन एक्विजिशन टू रिप्रेस दी हेरेटिकल आइडियाज। मतलब कहना क्या जा रहे हैं, इन एक्विजिशन का मीनिंग होता है कि जो बिलीफ सिस्टम है वो बिलीफ सिस्टम के ऑपोजिट कोई कुछ कर रहा है तो उसको पकड़ो और उसको सजा दो, मारो या मार डालो, जो भी जो रिलीजियस सिस्टम है उसके ऑपोजिट कुछ कोई कर रहा है उनको पकड़ो और उनको सजा दो। तो ये काम, ये वर्ड को ये एक्सप्रेस कर रहा है, ये फिनोमिनन को, ये प्रोसीजर को ये वर्ड एक्सप्रेस कर रहा है, इनक्विजन। ओके, एंड हेरेटिकल आइडियाज, हेरेटिकल मतलब वही शैतानी और जो इररिलीजियस है और जो मतलब जो रॉन्ग है, ओके, जो रॉन्ग है वो आइडिया को जो मतलब आगे बढ़ा रहे हैं उसको बोलते हैं हेरेटिकल आइडियाज। सो इन 1558 रोमन चर्च बिगेन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। मतलब के रोमन चर्च ने क्या किया, बिगेन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ द प्रोहिबिटेड बुक्स, मतलब एक बना ही दिया कि ये बुक्स मतलब रिस्ट्रिक्ट कर देनी है, किसी के पास होनी नहीं चाहिए, कोई प्रिंट भी नहीं करना चाहिए, और अगर पकड़े गए प्रिंट करते हुए तो उनको सजा मिलेगी। कौन सजा देगा? रोमन चर्च ही सजा देगा। लेकिन ये बात भी मार्टिन लूथर को पसंद नहीं थी कि ये क्या बात हुई भाई, तुम अपने आइडिया को फैलाने के लिए तुम कुछ भी बोलोगे, लाइक दैट। ओके, सो इफेक्ट ऑफ प्रिंट रिवॉल्यूशन क्या है? चलो, प्रिंटिंग रिड्यूसेस द कॉस्ट, ये वापस थोड़े पॉइंट कॉपी पेस्ट हो गए हैं, मतलब वो ही लिखना है तुम्हें। प्रिंटिंग रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ बुक्स एंड द टाइम एंड द लेबर रिक्वायर्ड, डिटो पॉइंट है, मल्टीपल कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस इजीली, सर्कुलेशन ऑफ द आइडियाज इन ओपन न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन, ब्रॉट न्यू इंटेलेक्चुअल एटमोस्फेयर, ये नया पॉइंट है, ब्रॉट न्यू इंटेलेक्चुअल एटमोस्फेयर, हेल्प्ड स्प्रेड द न्यू आइडियाज दैट लेड टू द रिफॉर्मेशन। अब एक नया एटमोस्फेयर बन रहा है कि लोग नॉलेजेबल हो रहे हैं, सबको पता चल रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अब रिफॉर्मेशन स्टार्ट होने लगा है। पहले कि भाई हमारे रिलीजन के खिलाफ है और किसी ने ऐसा बोल दिया कि ये गलत है तो कोई आवाज नहीं उठा था, अब लोग आवाज उठाने लगे, क्यों? वो नॉलेजेबल होने लगे, नॉलेज इज पावर। ओके, कोई भी चीज हो, पहले भी बताया था, कहीं पर भी आगे बढ़ना हो कोई भी फील्ड में, यू हैव टू गेन द नॉलेज। ओके, हमारे बिट्स में उसका मोटो है, ओके, ज्ञानम परमम बलम, नॉलेज इज सुप्रीम पावर, उससे सब कुछ हो सकता है, तुम्हें जरूरत नहीं है हथियार उठाने की, ओके, या कुछ बैड करने की, नॉलेज से ही कर सकते। एग्जाम्पल देख लो, महाभारत, कृष्ण, कुछ भी वेपन तो उठाया नहीं था जान खुद, लेकिन नॉलेज तो उनका ही था और उसके बेस पे सारा ही काम हो गया, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ गाइडेंस ही दिया, अपना नॉलेज शेयर किया, दैट्स इट। ओके, सो इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फेथ इवन अमंग द लिटिल एजुकेटेड पीपल। अब क्या हुआ कि जो अनपढ़ थे, जो ज्यादा मतलब पढ़ लिखे नहीं थे, उनके अंदर भी धीरे धीरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप होने लगी। ओके, द राइटिंग ऑफ द एनलाइटेंड थिंकर्स हेल्प्ड इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और अब लोग लिखने लगे और लोग पढ़ने लगे, तो हुआ क्या कि ये सारे आइडियाज से नेशनलिज्म की फीलिंग आई और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी ये हेल्पफुल रहा, नेशनलिज्म की फीलिंग इन लोगों में भी आई और इंडिया में भी आई। सेम टॉपिक, फिर सेम पॉइंट हमें इंडिया के लिए भी लिखना है। फिर आ जाता है बैलार्ड, बैलार्ड का मीनिंग हमने ऑलरेडी देखा हुआ है इंग्लिश में, यस, हाँ, तो बैलार्ड क्या है? बैलार्ड एक स्टोरी है जिसको पोएम का फॉर्म दिया गया, उसको बोलते हैं बैलार्ड। ओके, हाँ, वही बहुत लंबी थी ना। ओके, सो दैट इज द बैलार्ड। तो बैलार्ड दैट इज के एक स्टोरी है जिसको पोएम का फॉर्म देके हमें बताया गया है। ओके, तो हिस्टोरिकल अकाउंट और फोक टेल इन वर्ड्स यूजुअली संग और रिसाइटेड, तो उसको बैलार्ड बोलते हैं। देन टावर्न्स, ओके, तो मतलब के मस्ती मजे वाला, ओके, गॉसिपिंग वाली जगह, टावर्न्स, हाँ, तो ये ग्लोसरी तुम्हें करनी पड़ेगी, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स थी। प्लेसेस वेयर द पीपल गैदर्ड टू ड्रिंक दारू, टू ड्रिंक अल्कोहल, टू बी सर्व्ड फूड,
एंड टू मीट फ्रेंड्स एंड एक्सचेंज न्यूज. ओके, तो मतलब गॉसिपिंग वाली जगह जहाँ पे सब लोग ऐसे खा पी के ऐश करते थे और बकवास करते थे, और बकवास करते थे इन द सेंस गॉसिपिंग करते थे, लेकिन सिर्फ बकवास नहीं, क्योंकि अब तो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो वॉट एवर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती थी. किसी ने पॉलिटिकल की बुक पढ़ी, किसी ने कुछ और बुक पढ़ी, किसी ने कुछ और पढ़ी, सारे टाइप के न्यूज़पेपर मैगजीन सबने सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, और अब वहां जाके बात कर रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, चाय पे चर्चा, लाइक दैट. ओके, चाय पे मतलब, हाँ चाय पे नहीं है वो, अल्कोहल पे. खत्म, लो बैटरी, चलेगा थोड़ी देर तो चलेगा. तो वैसा होता है. अभी भी देखो तुम जो लोग डिबेट में हो, डिबेट कौन करता है, जिनको वो पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज हो, और अगर जिसको नॉलेज नहीं है वो डिबेट में ऐसे चुप रहता है. ओके, और सोचो कि कहीं पर भी कोई भी लोग हो जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा गैदर कर रहे हो, तो वो कभी शांत बैठ ही नहीं सकते. ये बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि तुम अगर बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो, एट द सेम टाइम तुम्हें शांत रहना भी आना चाहिए. नहीं तो कोई बोलेगा, अरे यार क्या ज्ञान देने आ जाते हो ऐसे. ओके, क्योंकि किसी को पसंद नहीं है कि कोई हमें बताए, सबको ऐसा है कि कोई हमें सुने, हम बोले और कोई हमें सुने. तो भाई जिसको सुनना है वो सुनेंगे, तो जिसको सुनना है उसी के सामने बोलो. ओके, अदरवाइज नॉलेज बढ़ेगा और फिर तुम अपना नॉलेज ऐसे ही स्प्रेड करते जा रहे हो, तो जिसको पसंद है वो, मतलब तुम फिर अगर ऐसा करना है तो करो, बट देन कोई कुछ भी बोले तुम्हें इफेक्ट नहीं होना चाहिए. ओके, अगर वो लेवल पे पहुंच गए हो तो करो, स्प्रेड करो, जिसको अच्छा लगा अच्छा, जिसको नहीं अच्छा लगा वो भी अच्छा, व्हाटएवर, हमें क्या फर्क पड़ता है. हमारा काम है स्प्रेड करना, नॉलेज को स्प्रेड करना काम है, तो स्प्रेड करो, गेन करो, स्प्रेड करो, गेन करो, स्प्रेड करो, तो वो अच्छा लगता है. लेकिन वो बात में फिर किसी ने ऐसा कहा, किसी ने वैसा कहा, किसी ने गलत कमेंट की, ओके, तो वो सब का इफेक्ट तुम्हें नहीं होना चाहिए, तब ऐसा काम करो. अदरवाइज नॉलेज को अपने पास रखो, तुम्हें शेयर करने का मौका मिलेगा, तुम्हें भी मौका मिलेगा कि तुम अपने नॉलेज को कैसे कोई एक पर्टिकुलर इनोवेशन में या पर्टिकुलर कुछ भी चैरिटी चैरिटेबल वर्क में कैसे अपने नॉलेज का यूज कर सकते हो, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए अपना नॉलेज कैसे यूज कर सकते हो, वो मौका हमेशा मिलेगा. मतलब नॉलेज इज लाइक, मैंने बोला ना कि नॉलेज सुप्रीम पावर है, जस्ट लाइक लाइट. ओके, जो लाइट को तुम कितना भी बंद करके रखो वो बाहर ही चली जाएगी, वो किसी उसको कोई कैद नहीं कर सकता. ये रूम है, तुम कितना भी पैक कर लो और फिर हम यहाँ पे रूम लाइट जला दे, बाहर से देखोगे पता चली जाएगा कि ये रूम में लाइट चल रही है. भले ही तुम कहीं पे विंडो भी ना रखो, डोर एक तो रखना पड़ेगा, लेकिन डोर ओके, विंडो भी ना रखो या कुछ भी, एकदम मतलब काल कोठरी बोलते हैं ना, काल कोठरी, वो काल कोठरी जेल होती है, ऐसा होता है, उसमें छोटा सा एक दिया जलाओगे तो भी पता चल जाएगा कि भाई इसने कुछ जलाया हुआ है, वहां पे थोड़ी सी लाइट है. लाइट को तुम कैद नहीं कर सकते कहीं पर भी नहीं. ओके, सो दैट इज द ब्यूटी. तो फिर नॉलेज इज वन टाइप ऑफ लाइट, तो तुम क्यों डर रहे हो कि हमारे अंदर ही रहेगा या स्प्रेड नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली स्प्रेड होगा. ओके, चलो, सो ये याद रखना है, टावर्स एक मार्क में, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, अ 16th सेंचुरी मूवमेंट टू द रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च डोमिनेटेड बाय रोम. मार्टिन लूथर किंग वाज वन ऑफ द मेन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स. सेवरल ट्रेडिशंस ऑफ द एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी डेवलप्ड आउट ऑफ द मूवमेंट. तो भाई मार्टिन लूथर ने अपने रिफॉर्म्स को बहुत आगे ले गए और वो ही सबसे बड़े रिफॉर्मिस्ट थे. ओके, और जो भी गलत गलत चीजें फैल रही थी कि भाई तुमने जो पाप किए हैं हमारे वहां पर आओ, हम वो पाप को कम कर देंगे और भगवान की कृपा, गॉड की कृपा तुम्हारे ऊपर आएगी, तो वो सब कुछ होता था. आज भी थोड़ा बहुत पता नहीं बोलूँ या ना, बट होता है. ओके, हमारा क्या काम क्या है, कोई बोले ना उस पर तुरंत बिलीव मत कर लो, जब तक वो तुम्हारे पेरेंट्स ना हो, दिल से तुमने किसी को गुरु या टीचर माना है वो बोल रहे हैं वो ना हो, और पेरेंट्स भी बोले और टीचर गुरु भी बोले, तो भी तुम क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि कि भाई ये समझ में नहीं आया आप जो बोल रहे हो. जैसे पेरेंट्स कोई बोलेगा, कोई पेरेंट्स बोले कि भाई एकदम नया नया स्टूडेंट है, किसी को पता ही नहीं कि स्मोकिंग करने से क्या होगा,
तो वो बच्चा पूछ लेगा सब उसके, ये पापा ये क्या कर रहे हैं, ये धुआं कैसे निकाल रहे हैं, क्या ये ओके तो फिर तो वो फिर बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट की है कि भाई फिर हमने सिर्फ ऐसे छोड़, ये गलत बात है उस वो साइड मत देखो, अरे मत देखो क्या, देख लिया उसने, अब आंसर इट ओके, तो क्यों गलत है, उससे क्या होता है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, वो सब पेरेंट्स को बताना पड़ेगा। तो एक बार बता दोगे तो बच्चे को भी लगेगा अरे यार मुझे पता नहीं था, पापा ने बता दिया, अच्छी बात है, अब नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी ऐसे कोई कंफ्यूजन हो जाएगा पापा को पूछ लूंगा, मम्मी को पूछ लूंगा, भाई को पूछ लूंगा, बहन को पूछ लूंगा। लेकिन अगर गुस्सा कर दिया कि वो गलत है या डरा दिया, उसको डरा दिया, वहां मत जाओ, अभी मत देखना, नहीं तो ये होगा वो होगा, ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, ये बहुत गंदे क्वेश्चन है, ऐसे पब्लिक में मत पूछो, ये वो, तो ऐसा कुछ तो गलत इंप्रेशन चली गई, वो बच्चे का क्यूरियोसिटी वाला माइंड बैठ जाएगा। और नॉलेज गेन करने के लिए ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है क्यूरियोसिटी, कि वो क्यों है ऐसा, क्या है, वो पूछने की हैबिट चली गई तो नॉलेज गेन करने की प्रोसेस स्लो हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे हुआ, सारे WH क्वेश्चंस अंदर आ जाने चाहिए, इंक्लूडिंग हाउ ओके, तब जाके नॉलेज गेन होता है। तो ये तो पेरेंटिंग का लेसन है, बट पेरेंटिंग का जरूरी नहीं है तुम अपने जो छोटे सिबलिंग्स हो या कोई भी हो वो भी पूछे तो ऐसा नहीं, नहीं नहीं ये तुझे समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है, बड़े होंगे तब बताएंगे, अरे भाई अभी पूछ लिया है तो बता दो, अगर शायद कोई ऐसा सवाल हो कि उसको वो लेवल पे बताना सही नहीं है तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत बता के समझा के खत्म करो ओके। जैसे रिप्रोडक्शन का सवाल हम कभी भी पेरेंट्स को पूछते ही नहीं थे या टीचर्स को भी नहीं पूछते थे कि रिप्रोडक्शन क्या है, कैसे होता है, क्या कुछ भी नहीं पूछते थे, लेकिन कभी कभी अगर पूछा हुआ हो, कोई बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो अपने पेरेंट्स से, मैं तो पूछता था ओके, सो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो तो क्या है क्या नहीं, तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो आंसर होगा कि भाई एक नए चाइल्ड को बर्थ करने के लिए जो प्रोसेस होती है दैट इज सपोज रिप्रोडक्शन, कैसे बर्थ होता है एंड ऑल, और डिटेल में तुमको सपोज पढ़ाई में आएगा, वो बताएंगे कि भाई तुम 8th स्टैंडर्ड में आओगे या तुम आगे पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें डिटेल्ड में पढ़ाया जाएगा कि क्या है क्या नहीं। अच्छे से अगर समझाया तो कोई नॉलेज बुरा नहीं है, हम थप्पा लगा देते हैं कि ये गलत बात है, ये बुरी बात है, तो फिर उससे क्या होगा कि वैसे नहीं बताना है कि यहां नहीं जाना है, वहां क्यों नहीं जाना है वो उसका रीजन बताओ, उसे क्या वहां गए तो क्या होगा वो बताओ ओके, तब जाके उसका सॉल्यूशन आएगा, तब जाके नॉलेज स्प्रेड होगा, नहीं तो फिर अंधविश्वास ही बढ़ता जाएगा, जो नॉलेज जरूरी नहीं है वैसा ही नॉलेज हमारे अंदर आता जाएगा ओके, जो रॉन्ग साइड ले जाने वाला नॉलेज है वो। तो दैट इज द थिंग, के पहली बात कि हमें क्यूरियोसिटी रखनी है, एट द सेम टाइम गलत चीजों में भी क्यूरियोसिटी नहीं रखनी है ओके। जैसे अभी हमारा पढ़ने का टाइम है और हमारी क्यूरियोसिटी है कि भाई मंथली 1 करोड़ रुपीस कैसे अर्न करें, अरे भाई अबे पढ़ने भाई तू मंथली 1 करोड़ रुपीस, पहले क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करो, पढ़ाई कंप्लीट करो, लाइक दैट। तो क्यूरियोसिटी कहाँ होनी चाहिए ओके, क्यूरियोसिटी भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ, ये भी मुझे क्वेश्चन है, ये भी है, जो लाइन में हो वो लाइन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जो फील्ड में है वहां पर। फिर फील्ड, तुम डांसर हो और तुम पूछ रहे हो कि भाई सिंगिंग कैसे करते हैं, तो क्या है फिर ये ओके, तो डांस मूव ये पर्टिकुलर कैसे है वो क्यूरियोसिटी में आएगा। फिर तुम वहां पे क्रिकेट कैसे खेलते हैं, सिंगिंग कैसे करते हैं, एक्टिंग कैसे करते हैं, वैसे फालतू सवाल हो गए वो ओके। चलो तो ये सारी मूवमेंट्स को सपोर्ट किया था किसने, मार्टिन लूथर किंग ने। Then reason for printed books became popular among less literate people. क्यों? अब diagrams आने लगे, बच्चों की books आने लगी, okay, पहले नहीं थी, बच्चों की books आने लगी, diagrams आने लगे और लोगों को बहुत ज्यादा enthusiasm आने लगा कि चलो पढ़ेंगे, knowledge gain करेंगे, अच्छी बात है। Those who could not read at least can listen and enjoy. स्टोरी बुक है तो भाई लिसन भी कर सकते हैं, एंजॉय उसमें, लिसन में ही एंजॉय होता है कि भाई तुम्हें आता है तुम पढ़ो हम सुनते हैं, लाइक दैट ओके। कोई तो पढ़ रहा है, गर्मी लग रही है तुम लोग को? मुझे गर्मी लग रही है। चलो, सो फोक सॉन्ग्स एंड फोकलोर वेयर पब्लिश, तो भाई देशभक्ति के गाने और लोकगीत बोलते हैं ना, लोकगीत उसको ही बोलते हैं फोक सॉन्ग्स एंड फोकलोर।
इल्यूस्ट्रेटेड बुक्स वेयर पब्लिश, तो इल्यूस्ट्रेशन आने लगे, फिगर्स आने लगे, ड्रॉइंग्स आने लगे. ओके, दीज वेयर रीड आउट एट रूरल मीटिंग्स, पब्स एक्सेट्रा. तो अब जो रूरल मीटिंग हो रही थी गांव की और सिटी की, जहां जहां मीटिंग होने लगी, तो अब सब लोग ऐसे कि चलो आज हम पढ़ाई करेंगे. जैसे हम सत्संग नहीं करते हैं कि भाई चलो रामायण राम कथा, तो राम कथा करेंगे. तो क्या करेंगे कि पहले ऐसा होता था कि भाई वो गुरुजी जो होते हैं वो पढ़ते हैं और फिर उसका मीनिंग समझाते हैं सबको. अब वो इतने हाई लेवल पे पहुंच गए हैं कि उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है. ऐसा ऐसा कोई इतना हाई लेवल पे पहुंचता नहीं है, कथा करते हैं वो, बट कि उनको एटलीस्ट थोड़ा बहुत ज्ञान दे सके उतना पता है, तो बुक खोलने की जरूरत नहीं है. ओके, सो फिर वैसे ही समझाते हैं, तो वो बोलते हैं अपना ज्ञान को, अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, वो लोग सुनते हैं. वैसा होने लगा. रिलीजियस, सिर्फ रिलीजियस की बात नहीं है, कोई भी नॉलेज हो वो शेयर होने लगा. ओके, पब्लिक मीटिंग्स में, पब्लिक गैदरिंग्स में. अब आ गया रीडिंग मेनिया. तो ये सब किसे रीडिंग मेनिया बन गया. एक चर्चिस ऑफ डिफरेंट डोमिनेशन सेटअप. अब ये जैसे वो हम वो इंग्लिश के नाइन्थ के चैप्टर की बात कर रहे थे, तो फ्यूचर जनरेशन जो हम ये प्रिंट कल्चर पढ़ रहे हैं, वैसे फ्यूचर जनरेशन पढ़ रही होगी कि मोबाइल जनरेशन. ओके, कैसे हुआ और उसे क्या इफेक्ट हुआ, उसके एडवांटेज उसके डिसएडवांटेज, वो जनरेशन वो पढ़ रही होगी. ओके, क्योंकि वहां पे ही घुस गए, वहां पे ही जा रहे हैं हम इनडायरेक्टली. तो इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली हम वहीं जा रहे हैं. ओके, चर्चिज ऑफ डिफरेंट डोमिनेशन सेट अप स्कूल्स इन विलेजेस कैरिंग लिटरेसी टू पीजेंट्स एंड आर्टिशंस. तो अब जो चर्च है, रिलीजियस पीपल है वो, जो सही में फोन आ रहा है, खत्म हो गया. हाँ, तो सही में जो रिलीजियस है वो तो मानेंगे कि नॉलेज स्प्रेड हो, क्योंकि जो सही में मानता है कि रिलीजन बढ़, देखो मैंने जैसे पहले बताया कोई रिलीजन गलत बातें नहीं सिखाता है, तो वो लोग तो ऐसा ही चाहेंगे कि अच्छी बातें स्प्रेड हो, सबको पता चले, वही मानेंगे, वही चाहिए सबको. तो वो लोग चर्चिस में भी, जैसे देखो चर्च में ऐसे पढ़ाई के क्लासेस होते थे, हमारे आश्रम होते थे, वो क्या बोलते गुरुकुल होते थे, फिर इस्लाम में भी मदरसा जो होता है उसमें भी पढ़ाई होती है, प्रेयर्स भी होती है और पढ़ाई भी होती है. तो सब जगह गुरुद्वारा है. ओके, तो वहां पे गुरुद्वारा में भी प्रेयर होती है, पूजा होती है और अलग से क्लासरूम भी होती है, मतलब वहां पे पढ़ाया जाता है कि ऐसा था ऐसा था. तो वैसे ही बातें आगे बढ़ने लगी. इन सम पार्ट्स ऑफ द यूरोप लिटरेसी रेट वेयर बूमिंग हाई, 60-80% हो गया. जो 20-30 पे चल रहा था वो कहां पहुंच गया, 60-80%. इन इंग्लैंड पेनी चेकबुक्स वेयर कैरिड बाय द पेटी पेडलर्स नोन एज द चेकमैन. ओके, तो याद रखना जो पेडलर्स है, मतलब के जो ड्राइवर है, घोड़ा गाड़ी चलाते हैं या फिर कार चलाते हैं और वॉट एवर, और जो वेंडर्स होते हैं जो न्यूज़पेपर बेचते हैं, मैगजीन बेचते हैं, कुछ भी बेचने का काम कर रहे हैं, तो उनके पास छोटी छोटी हैंडबुक, जैसे डायरी होती है हमारे पास, वैसे छोटी छोटी बुक्स होती थी. वो छोटी छोटी बुक्स को क्या बोलते हैं, चेकबुक्स. ओके, और उनको क्या बोला जाता है, चेकमैन. समझ में आया. ओके, इन फ्रांस देयर वाज बिलियोथिक ब्लू व्हिच वेयर लो प्राइस्ड स्मॉल बुक्स प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर एंड बाउंड इन चीप ब्लू कवर्स. मतलब के फ्रांस में क्या होता था कि पर्टिकुलरली ये एक बुक का ही, मतलब ऐसा ही एक नाम है, बिलियोथिक ब्लू व्हिच वेयर नोन एज, वो मतलब ये बुक का टाइप है कि वो बिलियोथिक ब्लू वाली बुक दो. तो मतलब क्या है कि नई बुक होगी, तो नई बुक जैसे तुम्हारी होती है, जैसे तुमने नवनीत की कोई बुक ले ली, वो कोई भी ब्रांडेड बुक ले ली. ओके, आईआरसीटीसी वाली या नवनीत वाली कोई टेक्स्ट नोटबुक ले ली, उसके पेपर. और दूसरी एक बुक होती है जिसको रिसाइकल्ड पेपर से बनाया हुआ आता है, जिसको हम रफ बुक बोलते हैं. ओके, और वो सस्ता भी होता है, बहुत सस्ती होती है. मतलब ये बुक अगर सपोज 40 रुपीज की है तो वो तुम्हें 20 रुपीज की मिल जाएगी. वो लिखने में थोड़ा तुम्हें कष्ट होगा, थोड़ा इतना इजीली नहीं लिख पाएंगे, बट वो भी मिलने लगी सारी. तो वैसी जो रफ में से बनाई हुई है, थोड़ी लो ग्रेड है, वैसी बुक्स भी बढ़ने लगी. क्यों? क्योंकि जो जिसके पास पैसे नहीं है वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोग ऐसी बुक परचेज करके भी आगे बढ़ेंगे, लाइक दैट. तो वो कहना चाह रहे हैं, और वो जनरली ब्लू कवर्स में होती थी. ओके, सो आइडेंटिफाइड कर सके कि भाई ये वो वाली है जो लो ग्रेड और चीप वाली है, चीप रेट वाली वो है. जैसे अभी हम बात करते हैं सेकंड हैंड बुक्स. ओके, अभी तो तुम लोग नई नई यूज कर रहे हो, गवर्नमेंट दे रही है और खुद के पैसे से ले रहे हो. अगर कॉलेजेस में गए तो कॉलेजेस में ऐसा तो है नहीं स्कूल जैसा कि एक ही बुक में से सब कुछ आएगा पेपर में.
मतलब 10 बुक 10 बुक्स 10 रेफरेंस बुक। अब 10 रेफरेंस बुक पढ़ोगे तब जाके एक सब्जेक्ट होगा, तो 10 रेफरेंस बुक तो हम परचेस करने तो जाएंगे नहीं। एक ही रेफरेंस बुक अराउंड 1000 के आसपास आएगी, एक सब्जेक्ट का ही 10,000 हो जाएगा अगर परचेस करने गए तो। ओके, तो क्या होता है उसमें कि चैप्टर वाइज होता है, इसीलिए कॉलेज में लोग लाइब्रेरीज ज्यादा यूज करते हैं कि भाई मुझे ये टॉपिक पढ़ना है तो पर्टिकुलर चैप्टर ये ऑथर ने अच्छा लिखा हुआ है तो वो चैप्टर ये बुक में से लाइब्रेरी में से बोरो किया, फिर उसका तुमने फोटोग्राफ निकाला, जेरोक्स निकाली या खुद की नोट्स बेस्ड खुद की नोट्स बना दी और फिर वापस लाइब्रेरी में वो बुक दे दी, एंड देन चैप्टर टू दूसरी बुक में है तो चैप्टर टू वो दूसरी बुक में गए और फिर उसमें से नोट्स बना दी। वैसे करके खुद की नोट्स बनानी होती है, मैं बोलता था ना कि खुद की नोट्स बनाओ, तो वो हैबिट्स आगे जाके बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है अगर तुमने डेवलप कर लिया, ना की हो तो कर देना। जब भी कॉलेज में जाओ, डायरेक्ट अभी डिप्लोमा में चले जाओ तो वो भी कॉलेज है, या 11th 12th के बाद जाओ वो भी कॉलेज है, तो वो लेवल पे ये सारी हैबिट्स काम आती है कि भाई नोट्स बनाए। सब कुछ परचेज नहीं कर सकते हम, अब ये तुम्हारा लास्ट ईयर था जिसमें पढ़ाई एवरेज या फिर सस्ती होती थी ऐसा बोल सकते हैं, आगे की पढ़ाई बहुत ज्यादा महंगी होने वाली है। वेदर यू टेक इट द फीस ऑफ वेदर यू टेक फीस ऑफ द स्कूल, फीस ऑफ द ट्यूशन क्लास, फीस ऑफ द रेफरेंस बुक्स और से योर बुक्स, फ्री फीस ऑफ योर एप्रॉन्स, फीस ऑफ योर से रेफरेंस बुक, तो मैंने बोला ना कुछ भी लो सब कुछ बढ़ने ही वाला है। वेटेज भी सर, वेटेज मतलब किसका, टेंथ से मतलब ऐसे हल्के में दे देता मतलब ना। हाँ यस, वेटेज भी ऑफ कोर्स वेटेज भी बढ़ेगा ही। ओके, जैसे कि 11 12th है तो 10th ग्रेड पास है, उससे अच्छा है 12th ग्रेड पास है। कोई भी फील्ड हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि साइंस की बात कर रहा हूँ, साइंस केमिस्ट्री साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ कॉलेज करो, कुछ भी करो, लेकिन ये एक बेसिक लेवल था यहां तक की पढ़ाई। इसीलिए गवर्नमेंट ने वो स्कीम निकाली है कि भाई 14 इयर्स की एज तक को सबको हाँ मतलब सारा नॉलेज गेन करना है, गवर्नमेंट में फ्री एजुकेशन मिलता है, वो सब 10th तक का था, जो बेसिक नॉलेज है यू हैव गेन्ड इट, ओके दैट इज डन। अब जो पढ़ाई होगी तो उससे अब देखो अब वो थोड़ी महंगी होने वाली है, बट कोई भी फील्ड ले लो, वेदर यू टेक आर्ट्स कॉमर्स साइंस और डिप्लोमा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इतनी चीप तो नहीं होगी। कॉमर्स की फीस ले लो, कोचिंग क्लास ले लो, बुक्स ले लो, और उसके साथ साथ अब तुम बड़े भी हो गए, मैच्योर भी हो गए, तुम्हारे भी शौक बढ़ जाएंगे। ओके, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं करने चाहिए एंड ऑल, पेरेंट्स भी समझेंगे, सब कुछ होगा, ग्रोथ ही होगा, बट सब कुछ बढ़ेगा, मतलब एक्सपांशन होगा। जैसे तुम अभी 15 चैप्टर सारे के 15 में से 5 केमिस्ट्री के, 5 बायोलॉजी के, 5 फिजिक्स कैसे पढ़ रहे थे, अब 15 चैप्टर केमिस्ट्री के पढ़ोगे, 15 चैप्टर फिजिक्स के पढ़ोगे, 15 चैप्टर बायोलॉजी के पढ़ोगे, लाइक दैट। आर्ट्स लिया तो आर्ट्स में भी फिर तुम ये लैंग्वेजेस पढ़ रहे थे, गुजराती है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो भर भर के उसमें सब आएगा, वो समास और वो सब जो तुम ग्रामर पढ़ते हो वो सारा उसमें भी आएगा। ओके, और से कॉमर्स ले रहे हो तो स्टेटिस्टिक्स है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, घुस जाओगे, नए नए चैप्टर्स आएंगे और उसमें भी डिटेल्ड आने लगेगा, तो नई स्टडीज होगी। कुछ भी ले लो, वेदर यू टेक इट सिलेबस, वेदर यू टेक फीस, कुछ भी ले लो, सब कुछ ज्यादा होने वाला है, सब कुछ ज्यादा होने वाला है। और वो ज्यादा के साथ साथ तुम सोचे कि 10th तक जो प्रिपरेशन करेंगे वही करेंगे तो ना हो पाएगा। कोई भी फील्ड लो, कोई फील्ड के बारे में नहीं बता रहा हूं, कोई भी फील्ड ले लो, कोई भी फील्ड, लेकिन अब तुम मैच्योर हो गए हो ना, अब तुम्हारा दिमाग भी खुल गया है ना, तो अब स्टडी में भी ऐसे बहुत ज्यादा पढ़ना है। ओके, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा दिमाग भी ज्यादा चल रहा है, सब कुछ देखो, ज्यादा रिसोर्सेस मिलेंगे और ज्यादा काम करना पड़ेगा, टाइम उतना ही है हमारे पास 24 आवर्स, उसमें हमें मैनेज करना है। तो अब ये क्या होगा कि तुम अपने ब्रेन को कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, कितना तुम स्ट्रेस कम ले रहे हो, कितना गुस्सा कम कर रहे हो, और फिर भी सब कुछ कर रहे हो। ओके, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, ओके इंडिविजुअली भी, ग्रुप में भी, सब कुछ कैसे सब तुम अपने को बैलेंस कर रहे हो, तो वो अब तुम्हें सीखना है। ओके, अब सही वाला तुम्हारा ब्रेन का डेवलपमेंट होगा कि ये सारी सिचुएशंस आती है, जैसे न्यूमेरिकल कर रहे हो और अटक गए बीच में, तो ये प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम में अंदर प्रॉब्लम आ गया, तो उसको सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, वैसे ही लाइफ अब तुम्हें सिखाएगी, पढ़ाई थ्रू सिखाएगी कि भाई ऐसे कुछ हो गया, ऐसे कुछ हो गया, तो उसके साथ कैसे टैकल करे और कैसे आगे बढ़े, वही सीखना है, वही सीखना है। ओके,
मार्क्स और वो सब तो बाई प्रोडक्ट है, आ जाएंगे, डिग्री भी बाई प्रोडक्ट है, लेकिन ये सब सीख गए तो फिर तुम्हें मजा आएगी कि अरे यार मजा आ गई, जितने भी परसेंटेज आए, जितनी जितनी सैलरी की जॉब लगी, जो भी कॉलेज में गए, लेकिन यू विल एंजॉय, वो जर्नी को एंजॉय करना है। ओके, पेरेंट्स तो ग्रेड ही मांगते हैं ना, पेरेंट्स ग्रेड मांगते हैं तो वो तो ग्रेड ही मांगेंगे ना यार, बट उनको साथ साथ में उनको पता चलेगा ना, तुम्हारी वैल्यूज पता चलेगी, तुम पहले हमने प्रूव नहीं किया ना कुछ, इसलिए हमने प्रूव करेंगे कि भाई इतना सब कुछ हो रहा है, इतने सब कुछ लोग गलत कर रहे हैं, उसमें मेरा बेटा या मेरी बेटी गलत नहीं कर रही है, उनको अंदर से है वो प्राउड फीलिंग है, वो तुम्हें वो बताएंगे नहीं, ओके, कि कितना कुछ लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन वो गलत में मेरा बेटा या मेरी बेटी नहीं है, उसमें भी प्राउड फीलिंग है। और ग्रेड तो मांगेंगे वो पेरेंट, पेरेंट थोड़ा तो बोलेंगे ना कि भाई पढ़ाई करो अच्छे से करो, ये वो, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही छोड़ देंगे, वो तो उनकी पेरेंटिंग का काम है, ऐसे ही छोड़ दिया और तुम जैसे गलत रास्ते पे चले गए, तो अगर हम फोन यूज कर रहे हैं और हमें कोई बोले ही ना, मम्मी बोले ही ना कि भाई फोन रख अभी 2 घंटे से हाथ में है, तो हम तो पकड़े रखेंगे, तो 2 घंटा वेस्ट हुआ तो 4 घंटा वेस्ट होगा, वो तो हम पकड़े रखेंगे और चलता रहेगा, वो तो काम है, पेरेंट्स तो बताएंगे, वो डांट नहीं रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि भाई ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है। और ग्रेड तो मांगेंगे, बट तुम ग्रेड के साथ साथ ग्रेड दो ना, हम का ना बोल रहे, पढ़ाई तो करनी ही है, ये पढ़ाई से छुटकारा नहीं है, ओके, पढ़ाई तो करनी ही है, लेकिन बैलेंसिंग रख के, सब कुछ बैलेंस रख के पढ़ाई करनी है, कि पेरेंट्स मतलब इतना प्राउड करे कि तुम्हें छोड़ दे, फिर तू जो करेगी जो करेगा वो बेस्ट ही होगा, यू हैंडल इट, ऐसे छोड़ देंगे, तुम पे छोड़ देंगे, ओके, कि तुम्हें जो सही लग रहा है वो करो, वो टाइम आएगा, इतना दूर नहीं है, अभी अभी आया जाएगा, नहीं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो फैमिली में वो किट्टू का एग्जांपल है, तो किट्टू के पेरेंट्स देखो छोड़ दिया था उसको, भाई तुझे जो करना है कर, जहां जाना है वहां जा, जो कंट्री में जाना है 12th के बाद वो कंट्री में जाना पढ़ाई करने, तो वो क्यों इतना छोड़ दिया, भाई प्रूव करके दिखाया उसने 10th में 12th में, प्रूव करके दिखाया कि भाई हाँ पढ़ाई करे तो बेटा एकदम पढ़ाई कर रहा है, टाइम वेस्ट नहीं किया है, लाइक दैट। सो फर्स्ट वी हैव टू प्रूव इट, जब हमने प्रूव कर लिया है, जैसे तुम कोई बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में तुम पहले तो पेरेंट्स यही बोले ओ भाई ये बिजनेस छोड़ जॉब करने बैठ तू, और फिर तुम लाखों रुपया अर्न करके दे दोगे, अरे यार तुम तो अच्छा कमा रहे हो, कंटिन्यू प्रूव किया ना तुमने, तो अब वो सपोर्ट करेंगे क्योंकि तुमने प्रूफ किया है, पहले एक बार तो प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा तब वो सपोर्ट आएगा। ओके, चलो, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स कैरीड इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर्स एंड ट्रेड एज वेल एज न्यूज ऑफ डेवलपमेंट्स इन अदर प्लेसेस, तो सब कुछ पता चल रहा है, कहां वॉर हुई, कितने का बिजनेस हुआ, सब कुछ पता चल रहा है, तो लोग अब डेवलपमेंट की सोच रहे हैं, लोग वॉर क्यों हुई, कैसे हुई, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, सारी बातचीत हो रही है, शेयरिंग हो रहा है इंफॉर्मेशन का, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है ड्यू टू दिस प्रिंट कल्चर की वजह से। नाउ रोल ऑफ प्रिंट कल्चर इन ब्रिंगिंग अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो क्या था भाई ये रोल, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ओके, कि भाई प्रिंट कल्चर का क्या रोल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाने के लिए। सो प्रिंट पॉपुलराइज्ड द आइडियाज ऑफ द एनलाइटमेंट थिंकर्स, जो मतलब बहुत ज्यादा एनलाइटमेंट थिंकर्स है उनको पॉपुलराइज कर दिया है। देन प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, तो अब लोगों के पास इंफॉर्मेशन है तो लोग अब डायलॉग बाजी कर रहे हैं, मतलब किसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं अपनी थॉट प्रोसेस, नहीं नहीं ये बात अगर तुम्हारे पर्सपेक्टिव से वो गलत है तो तुमने बोल दिया कि ये गलत है, अब लोग सोचेंगे, अब वो तुम सही बोले या गलत बोले, लेकिन 10 तुम बोले ना, लोगों ने सुना ना, अब 10 लोग सोचेंगे ये ऐसा बोला तो क्यों बोला, ओके, क्यों ऐसा हुआ क्यों, अब तुम सही बोले या गलत बोले, लेकिन अब लोगों के पास कुछ है सोचने के लिए, ओके, तो वो स्टार्ट हो गया। By the 1780s there was an outpouring of literature that mocked the royalty and criticized their morality. तो भाई ऐसा टाइम आया कि भाई लिटरेचर की वजह से क्या हुआ कि रॉयल्टी और जो मोरालिटी है उसके अगेंस्ट में जो भी जा रहा था या कोई भी रॉन्ग कर रहा था उसको अब क्या किया, ये लिटरेचर इतना ज्यादा हो गया, नॉलेज इतना बढ़ गया कि अब लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि भाई तुम जो कर रहे हो वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में है, ये जो तुम रॉयल्टी को फील कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये रॉयल्टी तुम क्यों ले रहे हो भाई, तुमने क्या किया ऐसा कुछ, ओके, लोग क्वेश्चंस करने लगे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया था, फिर बोला, फिर वही चीज आ गई कि भाई मोनार्की क्यों भाई, तुम कहां के राजा बन गए, तुम्हारे पापा ने किया था, तुमने क्या किया,
ओके क्या किया तुमने? वैसे क्वेश्चन पूछने लगे सब लोग. नाउ डिनोमिनेशंस. ओके तो डिनोमिनेशंस क्या है? सब ग्रुप्स ऑफ विद इन द रिलीजन. अगेन अ ग्लॉसरी, ये सारे छोटी छोटी ग्लॉसरी याद रखना. डिनोमिनेशन क्या है कि एक सब कैटेगरी है. जैसे कि हम सपोज रिलीजन हिंदू है तो भाई उसमें हम बोल देते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, राजपूत है. ओके तो वे ये वैश्य है, ये शूद्र है. वैसे चार डिनोमिनेशन होते हैं तो उसी को बोलते हैं डिनोमिनेशन. देन आता है अल्मेनैक. ओके एन एनुअल पब्लिकेशन गिविंग एस्ट्रोनॉमिकल अल्मेनैक. मतलब क्या? वापस फोन आया, अब तो बैटरी भी चली जाएगी.